या क्लिनिकल पैथोलॉजी में पढ़ रहे हैं आप लोग यूरिन। आज बाइल पिगमेंट्स के बारे में हम जानेंगे। यूरिन के कंपोनेंट्स की मैं बात करूं, कंपोजिशन ऑफ यूरिन क्या क्या है, किन किन चीजों से मिलके यूरिन बना है। हाँ जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और वाटर। बस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तुम्हारे सारे बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है, जितने भी आपके यूरिन में 24 यूरिन में मिलते हैं। तो बाइल पिगमेंट उन्हीं कंपाउंड में से एक सब्सटेंस है। देखते हैं कि क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, आज इसमें जानते हैं किस मेथड से हम लोग चेक कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, प्रोसीजर क्या रहेगा। देखो, जो भी आप यहाँ प्रोसीजर पढ़ रहे हो, ये सारा मैनुअल मेथड है और आज के टाइम में मैक्सिमम जो है प्रोसीजर ऑटोमेटेड पे शिफ्ट हो गया है। ऑटोमेटेड में क्या होता है, अब स्ट्रिप आती है, ठीक है, 10G 14G 16G इस तरीके से स्ट्रिप्स आती है। जी का मतलब यहाँ टेस्ट से रिलेटेड होता है और ये नंबर डिनोट करता है कि कितने टेस्ट होंगे, 4G 5G इस तरीके से भी आता है, 2G की स्ट्रिप भी आती है, ठीक है, जिसमें से दो ही चीजें होती हैं। और स्ट्रिप जो है वो एक एनालाइजर के थ्रू टेस्ट की जाती है, उसमें उसका कंट्रोल होता है स्ट्रिप के अंदर ही, ठीक है। किस तरीके से स्ट्रिप दिखाई देती है, इस तरीके से वो स्ट्रिप रहती है आपकी। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट जो क्लिनिकल लैबोरेटरी ने, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट ने, क्लिनिकल पैथोलॉजी के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ने आप देखोगे, वो इसी तरीके से देखोगे, कुछ मैन्युअली रीचेकिंग के लिए जरूर लगाया जाता है, ठीक है। एनसी आती है जब लैबोरेटरी में, सपोज आपके भाई स्ट्रिप सही नहीं है या आपके पास कोई एक्स वाई जेड रीजन की वजह से ऑटोमेशन नहीं चल पा रहा है, तो उस टाइम पे आप मैन्युअली कैसे टेस्ट करते हो, तो आपको ये प्रोसीजर, ये मेथड पता होना चाहिए जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रिप कैसे दिखाई देगी, तो इस तरीके से कुछ अलग कलरफुल बॉक्सेस बने होंगे स्ट्रिप के अंदर, ठीक है, और लास्ट में कंट्रोल का बॉक्स होगा और एक लाइन होगी, ठीक है। यहाँ पे डिटेल होती है पेशेंट की जो डाली जाती है स्ट्रिप के, ठीक है, स्पेस होता है उतना, आप लैब आईडी डाल सकते हो। ये कंट्रोल रहता है, यहाँ पे कंट्रोल का पता लगता है। ये डिप जो किया जाता है वो पूरा इस लाइन तक किया जाता है यूरिन में, पूरा टेस्ट ट्यूब में, आप 20 ml की टेस्ट ट्यूब रहेगी, उसमें यूरिन डाल के पूरा डिप करोगे। सेंट्रीफ्यूज यूरिन के अंदर कभी डिप नहीं करते हैं इसको। कैसे डिप किया जाता है, सपोज ये यूरिन कंटेनर है, पहले आप इसको अच्छे से मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद उसको पोर करोगे टेस्ट ट्यूब में, 20 ml की टेस्ट ट्यूब में पोर करने के बाद इस स्ट्रिप को उसमें डिप करोगे, निकालोगे, और सबका अपना अपना स्पेसिफिक टाइम होता है, 30 सेकेंड से लेके 120 सेकेंड के अंदर अंदर पूरा ये टेस्ट आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है, तो पीएच, मैं जो लिख रहा हूँ जरूरी नहीं है ऐसे ही होगा, ठीक है, चेंज भी हो सकता है। पीएच होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, प्रोटीन होगा, बाइल पिगमेंट होंगे, बाइल सॉल्ट्स होंगे, ठीक है, और आपका शुगर होगा। इसके अलावा भी आरबीसी का भी डिटेक्शन आ जाता है उसके अंदर, देख आरबीसी है कि नहीं है, कई सारी चीजें जो है अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, जैसे 14 है तो 14 टेस्ट, 16 है तो 16, 15 है तो 15, 5 है तो 5, 2 है तो 2, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह, पीएच वगैरह भी सारा कुछ इसी तरीके से उसमें दिखाई देता है। आ जाते हैं अपने लेक्चर के ऊपर, काफी लाइट, एक सेकेंड, ठीक है, ओके, वो विल गोइंग टू रीड इट फॉर मी, ठीक है, एम से रीड करना शुरू करिए। एम, डिटेक्शन ऑफ बाइल पिगमेंट्स इन यूरिन, कैसे बाइल पिगमेंट देखा जाएगा वो हमारा आज का एम प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। मेथड, हैरिसन स्पॉट मेथड, हैरिसन स्पॉट मेथड, यहाँ से हम देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने, हैरिसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक प्रोसीजर दिया क्या करने के लिए, बाइल पिगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूरिन के अंदर। कौन सा यूरिन है, तो ये रेगुलर रूटीन माइक्रोस्कोपी वाला जो यूरिन लिया जाता है वो है, कोई 24 आवर यूरिन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, When barium chloride reagent is added to urine, it combines with sulfate, radicals in urine and
precipitate of barium sulfate is formed. देखो क्या होगा जब बेरियम क्लोराइड यूरिन के साथ मिक्स होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, आपका यूरिन है ठीक है, यूरिन के साथ में बेरियम बाइल क्या है, बाइल पिगमेंट्स क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो आपके यूरिन कंटेनर में अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है और बेरियम क्लोराइड अगर हम इसमें ऐड करते हैं इस यूरिन में एक फिक्स अमाउंट में तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट मतलब होता है नीचे जमना ठीक है, तो सॉलिडिफाई सा आपको दिखाई देने लगेगा ठीक है। प्रोसीजर क्या रहेगा इसका, नेक्स्ट लाइन पढ़ें, इफ बाइल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन यूरिन दे विल अडहियर टू दीस लार्ज मॉलिक्यूल्स, फेरिक क्लोराइड प्रेजेंट इन वॉटेक्स रिएजेंट देन ऑक्सीडाइज येलो ग्लोबुलिन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइक्लोरेटिक एसिड टू ग्रीन बिलीरुबिन। हाँ जी कौन बताएगा इसका मतलब लाइन का, लास्ट वाले का फौजिया, इसका जरा हिंदी ट्रांसलेट करो तो देखता हूँ आपको समझ में आया या नहीं। दोबारा रीड करो क्या लिखा है, प्रेजेंट होगा तो लार्ज मॉलिक्यूल में अडहियर यानी दिखाई देगा। नेक्स्ट क्या बोलेंगे, फॉसेट रिएजेंट क्या बोला, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड टू ग्रीन ब्रीवेडीन। तब फिर अगर ये सारे जो आपका बाइल पिगमेंट है येलो कलर का है वो ग्रीनिश कंपोनेंट में दिखाई देगा। क्लियर हो गया, रिक्वायरमेंट पढ़िए, बेरियम क्लोराइड चाहिए कितना, 10 ग्राम पर डीएल ठीक है। नेक्स्ट कितना, 10 ग्राम पर डीएल कितना हो गया, 10 ग्राम हो गया पर डीएल, कैसे यूनिट है ग्राम पर डीएल, ऐसा यूनिट है। हाँ जी मदद करें जी जरा, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा है इनको बताएं, बैट्समैन नंबर वन फिल्टर पेपर किस तरीके का होता है, नंबरिंग होती है इसमें फिल्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली ठीक है। हाँ जी प्रोसीजर पढ़िए, सबसे पहले क्या करना है, उससे पहले क्या करना है, और उससे पहले क्या करना है, उससे भी पहले क्या करना है, उससे भी पहले क्या करना है, उससे पहले क्या करना है, सबसे पहले जब आप देखो स्टार्टिंग प्रोसीजर ये है, टेस्ट प्रोसीजर आपको प्रोसीजर याद होना चाहिए फ्रॉम द कलेक्शन ठीक है, क्योंकि अगर पेपर में पूछ दिया फ्रॉम द कलेक्शन टिल द रिजल्ट तो पूरा प्रोसीजर लिखना पड़ेगा। क्लियर है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, पेशेंट इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेशन क्या दोगे आपको, सबसे पहले तो पेशेंट आएगा आपके पास, अगर डायरेक्ट आप लैब में फ्रंट एग्जीक्यूटिव डेस्क पे हो ठीक है, तो आप उसे इंस्ट्रक्शन दोगे, कंटेनर पकड़ाओगे
बताओगे किस तरीके से यूरिन कलेक्ट करना है, क्योंकि आप नहीं कलेक्ट कर सकते उसका यूरिन, वो खुद कलेक्ट करके देगा। कर सकते हो, छोटे बच्चे का कर सकते हैं, उसके लिए भी एक घंटा बैग लेके रखना पड़ेगा। हाँ, एक से डेढ़ घंटा, इन्फेंट का जो बच्चा होता है उसको एक से डेढ़ घंटा एक बैगेज मिलता है, वो बैगेज उसके अंडरवेयर पे लगा के रखा जाता है, जिससे वो एक घंटे तक जो भी यूरिन करेगा उसमें कलेक्ट होगा, फिर उसका टेस्ट लगाया जाता है। ऐसा नहीं जैसा शुरू कर दो लोग जी मिल गया, नहीं तो ऐसे प्रोसीजर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन देंगे उसको, बेस्ट यूरिन कौन सा होता है, मॉर्निंग फर्स्ट यूरिन, कौन सा, मिड स्ट्रीम पार्ट। मिड स्ट्रीम का क्या मतलब होता है, मेरे को कुछ नहीं पता, मुझे यूरिन देना है, आप बताइए मुझे कैसे समझाओगे। ले लो क्या करना है इसका, कैसे मैं नहीं जानता ना कुछ भी, मैंने क्या बोला, मैं कुछ नहीं जानता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आया, एक एक्टिविटी कर रहे छोटी सी, ठीक है सर मुझे यूरिन बिलरुबिन टेस्ट कराना है, डॉक्टर ने लिखा है, या फिर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं सिंपल एक पर्चा दे दूंगा जिसपे सपोज फॉर एग्जाम्पल ये टेस्ट जो आज हम पढ़ रहे हैं वो लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताओ क्या इंस्ट्रक्शन दोगे। सबसे पहले तो आपको कहना है कंटेनर दे देना, ठीक है सपोज ये कंटेनर आपने ले लिया, इसके अंदर वैसे कुछ और है, दे दो पहले से। हाँ आपको कंटेनर देने के बाद क्या करना है, आपको कहना है प्रोग्राम की वार्निंग। रुक जाओ, पहली गलती, हाँ जी पहले पेशेंट आईडी और इंफॉर्मेशन ले लेना, प्रिस्क्रिप्शन। करेक्ट, पहले आप जनरेट करोगे पेशेंट आईडी, वो लेबल करोगे इस कंटेनर पे, फिर कंटेनर मुझे पकड़ाओगे या पेशेंट को पकड़ाओगे। करेक्ट है, कंटिन्यू करो। टेस्ट नहीं समझाना होता, कैसे होगा क्या होगा, अगर मैं पूछता हूँ तो बताना होता है। देखो राइट टू इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मैं पूछ सकता हूँ क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, कितना ही क्यों चाहिए, वो मेरे राइट है इंफॉर्मेशन पे, ठीक है। लेकिन अननेसेसरी आपको बताने की जरूरत नहीं है, कई बार इतना रश होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता है पेशेंट डील के लिए, बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड में मैक्सिमम नंबर लॉट खत्म करना होता है, आप एक टू पंद्रह मिनट लेके बैठोगे पॉसिबल नहीं होगा। तो उस केस में क्या करोगे, आपने स्लिप लिया या मैंने टेस्ट बता दिया, तो सबसे पहले क्या मांगोगे आप मेरे से, नाम, फिर एज, जेंडर, देन कॉन्टेक्ट डिटेल, देन ओपीडी या आईपीडी, कुछ स्लिप जो भी मेरे पास है जिस टेस्ट के लिए मैं आया हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए से ग्लूकोज है, नॉर्मली कोई भी करा देता है बिना डॉक्टर के उसके भी आज की डेट में, तो वो सेल्फ में चला जाएगा। क्लियर हो गया, मेडिकल हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी होता है कई टेस्ट में, याद रखना, ठीक है भाई। कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं आपकी, मेडिकल हिस्ट्री में क्या कोई ऑपरेशन हुआ था लास्ट टाइम, अभी फीमेल है तो एम सी आ रही है कि नहीं आ रही है, या अभी हाल फिलहाल में तो बंद नहीं हुई है, उसके बाद मेल है तो उसको भी कंफर्म करना है, स्पेशली इन यूरिन केस कि भाई लास्ट नाइट आपने इंटरकोर्स तो नहीं किया था, इंटीमेट तो नहीं हुए थे पार्टनर के साथ, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या होता है आप उसमें मेंशन करते हो, ठीक है यूरिन के टेस्ट में स्पेशली, ठीक है। क्योंकि अगर भाई इंटीमेट हुआ होगा पाथवे मेल का सेम है, स्पर्म आएगा आपका आइडेंटिफिकेशन ही चेंज हो जाएगा, डेड स्पर्म दिखाई देने लगेंगे आपको, नॉर्मली नहीं आते, और उसके भी नहीं आ रहे अगर पेशेंट के, आप उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपने बताया नहीं, हो गया उसका काम, क्लियर है, ठीक है। अब बताएं उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, अब आ जाते हैं सीधा, ये तो हो गया, उसके बाद कंटेनर मिल गया, अब क्या इन्फॉर्मेशन देंगे पेशेंट को कलेक्ट करने से रिलेटेड। सबसे पहले आपको और कलेक्ट करने के लिए उसको खोल रहे हैं जो ऐसे नहीं रखना, कोई कैसे रखना। और कुछ मिस किया इन्होंने, हाँ सर 8 आवर की फास्टिंग होनी चाहिए, 8 आवर की फास्टिंग, अच्छा और कुछ मिस किया इन्होंने, सही बताया तुमको, कुछ छोड़ा नहीं। हाँ पेशेंट अगर
लेकिन अभी भी इन्होंने एक पार्ट मिस कर दिया। स्टैंडर्ड प्रोसीजर को अगर मैं बोलूं तो एसओपी ऑफ कलेक्शन क्या मिस किया दिमाग में आ रहा है कुछ? एजुकेशन के लिए नए सैंपल को डिटेक्ट कर देते हैं ग्लव्स से पहले कलेक्शन करना, पेशेंट थोड़ी ग्लव्स पहनेगा। अच्छा अभी तो कलेक्शन में बताते वक्त ही इन्होंने एक बहुत मेजर पॉइंट मिस कर दिया। नहीं वो तो मैंने बता दिया पहले। मन तो कर रहा है लाइन से खड़ा करो डंडे ही डंडे मारे जाओ तुम सब। एग्जैक्टली जेनाइटल एरिया पहले आप क्लीन करेंगे, और अगर सपोज मैं यूरिन कर चुका हूँ मॉर्निंग का, मैं इनके पास आया हूँ, मैं यूरिन कर चुका हूँ, सुबह 5 बजे मैं यूरिन हो गया और 6-7 बजे मैं इनके पास आया, तो अब मॉर्निंग का तो यूरिन रहा नहीं, मुझे रूटीन कराना है। रूटीन कराने के लिए आपको मॉर्निंग का यूरिन मैंडेटरी नहीं है, ठीक है? आप 2-3 घंटे पानी पी लो, 1-2 घंटा रुक जाओ, होल्ड करो, यूरिन जनरेट हो जाएगा, आप दे दो, उससे भी टेस्ट हो जाते हैं कई सारे रूटीन के। तो उस केस में क्या करना जरूरी है, आपका जेनाइटल एरिया यूरिन पास करने से पहले क्लीन होना चाहिए, कि किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफिकेशन से दूर हो जाए। क्लियर हो गया? वो पहले से अवेलेबल होता है कलेक्शन रूम में। जब आप किसी भी हॉस्पिटल या लैब के वॉशरूम में जाओगे तो वहां पे टॉयलेट सीट होती है, टिश्यू रोल होते हैं, सैनिटाइजर होता है, हैंड वॉश होता है, हैंड रब होता है, मिरर होता है, और कई बार तो पेशेंट को ड्रेस चेंज करने के लिए भी बोल दिया जाता है अगर वो अनकंफर्टेबल ड्रेस में होता है। कई बार होता है फीमेल आती है कुछ ऐसा कपड़ा वेयर किया हुआ है कि वो फोल्ड नहीं हो रहा है आर्म के पास, तो एक गाउन रहता है वहां पे, उनको बोला जाता है चेंज रूम में जाके आप ये वेयर करके आइए। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, प्रोसीजर से शुरू कर लेते हैं। हाँ बेटा, पहला दिया था क्या लिया हमने, 3-4 ml यूरिन लिया है। यहाँ पे कलेक्शन तक का पता लग गया, सैंपल आ गया आपके पास। क्या सैंपल को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं या रेफ्रिजरेट करते हैं? रूम टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है, वो बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। देखो रूम टेम्परेचर का मतलब ही होता है 20 से 25 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है? 37 इज योर बॉडी टेम्परेचर, 94-95 फ़ारेनहाइट जो है वो 37 के आसपास लाई करता है, तो वो आपकी बॉडी, हाँ 96 एग्जैक्ट वैल्यू मुझे ध्यान नहीं है, 96 या 97 के पास जाती है। तो आपके पास सैंपल आ गया, अब सेम टाइम तो आप टेस्ट करोगे नहीं, एक लॉट लगाओगे पहले तो। हाँ हाँ वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करती हैं, तो उनकी रिजल्ट भी ऐसे आते हैं आड़े तिरछे से, रिजल्ट वेरिएशन आता है, इसीलिए आता है। आप देखना, मैं लैब का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी मल्टीपल ऐसी लैब्स हैं जहां पे एसी नहीं है, कंट्रोल नहीं लगाते, कैलिब्रेट नहीं करते, बट टेस्ट लगाए जा रहे हैं। बहुत सारी मल्टीपल लैब्स हैं, यानी किसी भी एक्रीडेशन लैब का मतलब क्या होता है कि आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो। थ्योरी में जो आप पढ़ते हो और जब आप प्रैक्टिकल में जाते हो, किसी लैब में जाते हो, कोई स्टार्टअप लैब में जाते हो जो जस्ट स्टार्ट हुई है, इसे कहा जाता है मोरल इथिकल वैल्यूज बनानी चाहिए कोई भी काम करने से पहले, कि भाई इससे नीचे क्राइटेरिया में तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा या कर ही नहीं पाऊंगी। क्लियर है? ठीक है, तो रूम टेम्परेचर जो है किसी भी लैब के रूम का टेम्परेचर, जब भी मैं रूम टेम्परेचर यहाँ बोलूँ तो आपके बेडरूम या ड्राइंग रूम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लेबोरेटरी की, और लेबोरेटरी का रूम का टेम्परेचर का मतलब होता है 20 से 25 के बीच में। इस टेम्परेचर पे
आपका कोई भी सब्सटेंस एक लॉन्ग लाइफ के लिए स्टेबल रह सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, कंटेनर में से टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर किया, कितना 3 से 4 ml के आसपास। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, एड इक्वल अमाउंट ऑफ बेरियम क्लोराइड। अगर 3 ml यूरिन लिया है तो 3 ml ही बेरियम क्लोराइड आप लोगे, मिक्स करोगे उसे। मिक्स करने के बाद क्या करना है, अब यहाँ पे ध्यान रखो, दो पहला पॉइंट याद रखने वाला क्या है, जितना यूरिन होगा उतना ही बेरियम क्लोराइड होगा। अगर यूरिन 3 ml है तो बेरियम क्लोराइड भी 3 ml। दूसरी चीज याद रखने वाली क्या है, कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, कितने आरपीएम पे, 1500 आरपीएम पे आपको क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है। आरपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है विक्रा जी, बताइए, आरपीएम की फुल फॉर्म, दोस्त यारी की मदद ना करें, वरना मैं पूछने चाहूंगा तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। ठीक है, गुड। बैलेंस कैसे करते हैं सेंट्रीफ्यूज को, मंतशा सेंट्रीफ्यूज करने के लिए तो बता दिया, बैलेंस करते हैं क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। ये सेंट्रीफ्यूज की गील होती है, ठीक है, यहाँ ट्यूब्स लगे रहते हैं ऐसे चारों तरफ से रहता है। ठीक है, अगर मैं फ्रंट से देखूँ उसका तो इस तरीके से सामने से आपको दिखाई देता है ऊपर से, और यहाँ ये नट रहता है। तो इसको क्या हम बैलेंस करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, मंतशा बताइए, कितने हैं ये टोटल बराबर के, बोलो बैलेंस कैसे करते हैं बेटा, और करते हैं तो क्यों करते हैं। आप मंतशा है मन ने बोला, बोल तो रही है आमने सामने रखेंगे, खड़े हो गए बता दे आमने सामने कैसे रखेंगे, आजा। इतने हेजिटेट क्या करना है, क्यों करते हैं बैलेंस, बोलो मैं, बोलो मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ चुकी हूँ, नहीं वैसे यार जी इरफान क्यों बैलेंस करते हैं सर, एक जगह बैठो तो उसको इक्वल करने के लिए आसान करने के लिए। क्या होगा अगर बैलेंस नहीं करोगे, बैलेंस नहीं करोगे तो सर ये चीज आप हो सकता है चांस है कि बाहर आ सकते, बाहर आ जाएगी और कोई सर वाइब्रेट नहीं होनी चाहिए तो मशीन इसलिए इक्वल अमाउंट में हम आमने सामने रखते हैं, गुड, और उसमें हमारे रिजल्ट में वेरिएशन आ सकता है सर, हमको एक्जेक्टली। अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो मशीन वाइब्रेट करेगी और उस वाइब्रेशन की वजह से जो फ्लूइड उसके अंदर रखा है, जिस ट्यूब में रखा है वो ब्रेक भी हो सकती है, फ्लूइड बाहर भी आ सकता है, और जो सेंट्रीफ्यूज का मेन प्रिंसिपल है जिससे क्या होता है सेपरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी,
जो उसके अंदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो अपने अपने स्पेसिफिक ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली लेयर में आ जाते हैं, तो वो प्रॉपरली नहीं आ पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आगे क्या है, एड 1-2 ड्रॉप्स ऑफ ओसेट एजेंट टू द प्रेसिपिटेट ऑन ए फिल्टर मेकर और टू द सेडिमेंट इन टेस्टिंग। अब क्या करना है, यहाँ पे सेडिमेंट आ गया, उसको फिल्टर पेपर पे आप निकाल लोगे, सेडिमेंट को फिल्टर पेपर लोगे, वॉक्समैन फिल्टर पेपर, कैसे बनाओगे उसको, कोन शेप का बनाओगे, सर्कुलर शेप में होता है ना, इसको कोन शेप में ऐसे बना लोगे आप, कैसे बन जाएगा, फोल्ड करके आराम से फोल्ड हो जाएगा, पहले हाफ में फोल्ड होगा, फिर थर्ड में फोल्ड होगा, जैसे उसको बीच में करोगे वो कोन शेप का ऐसे आपका आ जाएगा, कोन को ऊपर रखोगे, फ्लूइड को डालोगे, यहाँ पे वो डिपॉजिट आ जाएगा, इसको वापस खोलोगे तो यहाँ पे इस तरीके से डिपॉजिट आ रहा होगा, फिर आपको क्या करना है, 1-2 ड्रॉप क्या डालना है, फॉसेट रिएजेंट डालना है, और फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। सर कोई कलर नहीं आ रहा है, कोई कलर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, बाइल बाइल सॉल्ट एब्सेंट है, ठीक है, और अगर कोई पिगमेंट एब्सेंट है, सॉल्ट नहीं पिगमेंट, सॉल्ट अलग है, बाइल पिगमेंट एब्सेंट है, और अगर ग्रीन कलर आता है तो बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है। हाँ जी, आप बताइए आप क्या पूछ रहे थे, यूरिन से भी जी हाँ, क्लियर हो गया, आप उसको पोर करोगे पूरे को और वो कलेक्ट कर लोगे अलग। अब आप पूछोगे कि सर हमने सेंट्रीफ्यूजिंग क्यों किया, ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, हम तो ऐसे भी फिल्टर कर सकते थे, सेडिमेंट्स को इकट्ठा करने के लिए, किसके सेडिमेंट्स को, यूरिन प्लस कौन सा रिएजेंट था आपके पास, बेरियम क्लोराइड का रिएजेंट, जो क्या बना रहा था, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा था, क्लियर हो गया, तो वो प्रेसिपिटेट को लेने के लिए आपने फिल्टर पेपर का यहाँ पे यूज किया। एक बार प्रोसीजर फिर समझ लो, यूरिन कलेक्ट करना है, पेशेंट को इंफॉर्मेशन देके उस यूरिन को लैब में ट्रांसफर करना है, लैब में अगर लैब पास नहीं है तो डायरेक्ट चला जाएगा ट्रे में, लैब पास में नहीं है डिस्टेंस पे है तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन बैगेज का यूज किया जाएगा, उसके अंदर कूल बैग्स होते हैं जिससे टेम्परेचर मेंटेन करे, लैब में जाएगा, लैब में वो क्रॉस चेक होगा, आईडी वगैरह चेक होगी, टेस्ट प्रोसीजर पे आ जाएगा, जब टेस्ट प्रोसीजर पे आएगा टेस्ट टेबल पे, तो वहाँ क्या होगा, सबसे पहले ट्यूब में 3 ml अगर ले रहे हैं यूरिन तो 3 ml बेरियम क्लोराइड दोनों को मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए 1500 RPM पे सेंट्रीफ्यूज करना है, सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा तो आपको एक डिपॉजिट सा कुछ दिखाई देगा ट्यूब में, उसको आपने फिल्टर पेपर की कॉनिकल ग्लास सा बना के और उसमें फिल्टर कर लेना है, फिल्टर करने के बाद जो आपका डिपॉजिट का पार्ट सेंटर का रहेगा उसमें 2-3 ड्रॉप आप क्या ऐड करोगे, फॉसेट रिएजेंट, फॉसेट रिएजेंट जैसे ही डालोगे अगर ग्रीन कलर की शेड का कोई भी चेंज होता है इसका मतलब बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है, और अगर नहीं होता है तो बाइल पिगमेंट एब्सेंट है यूरिन में, ये तो हो गया मैनुअली, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आते हैं। हाँ जी नहीं आ पाएगा, बेरियम क्लोराइड जब तक आपके प्रेजेंट बाइल पिगमेंट के साथ नहीं मिलेगा वो एक सब्सट्रैक्ट बनाएगा ही नहीं, और वो सब्सट्रैक्ट ही कलर चेंज का आइडेंटिटी दे रहा है। एग्जांपल के तौर पे आपको पार्टी में जाना है, ठीक है, और आपके पास पार्टी वेयर शर्ट ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, फॉर्मल पहन के जाओगे तो अलग ही लगोगे, ठीक है, मैच नहीं करोगे ना फिर वहां, यहाँ पे तो बिना मैच के कोई कलर कॉम्बिनेशन ही नहीं दिखेगा, क्लियर हो गया, जूस बनाना है, चीनी नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ और नहीं डाल सकते। देखो सबको कहने का मतलब है कि कोई एक रिएजेंट, बेटा ध्यान दो इधर, इधर उधर बातें नहीं, एक रिएजेंट दूसरे रिएजेंट के साथ बाइंड करता है, वो बाइंडिंग एनर्जी यूज करता है, ठीक है, और वो बाइंड कब करेगा, जब उससे कंपैटिबल होगा। मैं हाथ मिलाने के लिए बढ़ा रहा हूं, आप फिस्ट मिलाने के लिए बढ़ा रहे, क्या होगा, नहीं मिला पाओगे ना, आइदर आपको भी सेम हैंड पोस्चर करना पड़ेगा या मुझे सेम हैंड पोस्चर करना पड़ेगा,
सेम चीज यहाँ पे है, जब यूरिन के साथ बेरियम क्लोराइड मिलता है और जो वो प्रेसिपिटेट बनाता है उस प्रेसिपिटेट में जब हम रिएजेंट डालते हैं अपना, ठीक है, तो वो कलर इंपैक्ट देता है उस प्रेसिपिटेट के साथ, ना कि यूरिन में प्रेजेंट बाइल पिगमेंट के साथ। बाइल पिगमेंट तो पहले ही मिक्स हो गया बेरियम क्लोराइड के साथ, उसने एक मिक्सचर बना लिया, अब वो मिक्सचर कलर कॉम्पोजिशन दे रहा है। समझ गए मेरी बात को कि कलर कॉम्पोजिशन क्यों आ रहा है और हम क्यों डायरेक्टली यूरिन में नहीं डाल सकते। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आ जाते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पे। शेड ऑफ ग्रीन आएगी डिपेंडिंग ऑन द कि कितना प्रेजेंट है। बहुत अमाउंट में प्रेजेंट है, प्रेसिपिट बहुत अच्छी क्वांटिटी में बन गया है, बढ़िया सा ग्रीन दिखाई देगा। बहुत माइल्ड अमाउंट में है तो ट्रेस दिखाई देगा, इसलिए बोलते हैं ट्रेस 1+2+3+4+, इससे ज्यादा नहीं होता। स्किल होता है ना, स्किल होता है, कलर आएगा भाई, शेड होगी आपके पास। मैनुअली आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा डार्क स्क्रीन आ गया, 4+ दे दिया, बहुत लाइट आया ट्रेस दे दिया, एवरेज सा ग्रीन आ रहा है 1+2+ अकॉर्डिंगली योर एक्सपीरियंस। बाइल पिगमेंट प्रोटीन नहीं बेटा, बाइल पिगमेंट की बात की जा रही है, कंफ्यूज मत हो। क्लियर हो गया? डाउट है किसी के दिमाग में अभी कोई? हाँ, अगर ये 4+ आता है, बड़ा आता है तो क्या डॉक्टर हमें, हमारा काम है टेस्ट लगा के रिपोर्ट दे देना। बाइल पिगमेंट उसके यूरिन में आ रहे हैं, अब डॉक्टर जानेगा क्या करना है। किडनी इंफेक्टेड है, सीधी सी बात है, केएफटी सब्सटेंस में क्या करा लेगा, केएफटी करा लेगा या आरएफटी करा लेगा। ठीक है, पिगमेंट्स आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, लिवर भी क्यों है, हो सकता है पूरा गैस्ट्रो ट्रैक का ही टेस्ट दे दे, लिस्ट ऑफ टेस्ट लिख दे और आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं पिगमेंट्स आ रहे हैं। हाँ जी, अब वही देख लेते हैं कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस से पता लग जाएगा। हाँ जी, कोजी आप पढ़िए। It is useful for diagnostic the jaundice or lectus. Lectus. Lectus refers to the yellow pigmentation of skin. Conjunctive of mucous membranes and abnormality of बिलरुबिन इन सीरम। देखो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में बाइल पिगमेंट कब आता है यूरिन में, अगर आपको जॉइंटिस हो रखा हो, जिसको हम आम भाषा में पीलिया बोलते हैं। ठीक है, स्किन येलोइशनेस सी हो जाती है, आपका जो बाइल है वो सीरम में बढ़ जाता है, बाइल पिगमेंट बढ़ जाता है, बिलरुबिन बढ़ जाता है, कहने का मतलब है। ठीक है, वो बढ़ने की वजह से क्या होता है, यूरिन में फिल्टर होने लगता है, यानी यूरिन उसको फिल्टर करके आपका किडनी नेफ्रॉन फिल्टर करके उसको यूरिन में ट्रांसफर करने लगती है। ठीक है, और यूजफुल सब्सटेंस है, जब निकलने लगेगा बॉडी से तो वीकनेस आ जाएगी। क्लियर हो गया? हाँ जी, कंडीशन पहला प्री हिपैटिक में यहाँ ध्यान दो, क्या जो तुम कह रहे थे कलर कोडिंग के हिसाब से, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, प्री हिपैटिक में क्या होगा, बाइल पिगमेंट इज एब्सेंट इन हिपैटिक, बाइल पिगमेंट इज प्रेजेंट ट्रेस फॉर 2+4+। अगर आप हेपेटिक कंडीशन प्री हेपेटिक में हो तो नहीं आएगा, प्री हेपेटिक मतलब जस्ट अभी अभी हुआ है, सपोज मुझे जस्ट अभी अभी जॉइंटिस हुआ है या कोई लीवर इन्फेक्शन हो गया या मेरा बिलिरुबिन किसी वजह से बढ़ रहा है ब्लड में, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, यूटिलाइज नहीं हो, डाइजेस्ट नहीं होगा, यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वो फिल्टर होने लगेगा किडनी में। ठीक है, तो जस्ट स्टार्ट हुआ होगा तो एब्सेंट होगा बाइल पिगमेंट इस टेस्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, और हेपेटिक मतलब मिड वाले पार्ट में आ जाऊंगा तो ट्रेस भी हो सकता है, 1+2+3+4+ तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन माय कंडीशन, कितना सीवियर कंडीशन पेशेंट हूं मैं। थर्ड, द पोस्ट हेपेटिक बाइल पिगमेंट इज प्रेजेंट 2+2+4+। ठीक है, पोस्ट हेपेटिक मतलब कंडीशन और ज्यादा आगे बढ़ गई है। क्लियर हो गया? तो ये था आपका बाइल पिगमेंट का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। नहीं, बाइल पिगमेंट का नहीं लूंगा, प्रोटीन वाला टेस्ट लेना है।